हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रूपा रंदेस स्मार्ट आर्ट। तो आज बना रहे हैं एक बहुत ही डिलीशियस डिश और ये है देसी स्टाइल में वाइट सॉस पास्ता। तो बहुत ही आसान सी रेसिपी है और बहुत ही यमी। तो चलो बनाना शुरू करते हैं। वाइट सॉस पास्ता बनाने के लिए ले रहे हैं 1 लीटर पानी जो कि बॉयल हो रहा है और उसके अंदर 1 चम्मच नमक। सो बॉइल्ड वाटर है, नमक डाल दिया है और इसी के साथ डालेंगे पास्ता। सो 1 कटोरी पास्ता है 200 ग्राम ऑलमोस्ट और अब हमने इसे बॉईल करना है और इसे बॉईल करना है ढककर। मोस्टली पैकेट के पीछे लिखा रहता है कि 7 या 8 मिनट पकाना है, लेकिन हमने इसे 80% तक पकाना है। जब तक पास्ता अभी बॉईल हो रहा है तब तक हम इसके लिए सब्जी तैयार कर लेंगे और क्योंकि हम देसी स्टाइल में बना रहे हैं वाइट सॉस पास्ता तो उसके लिए हमें सब्जी रेडी करनी होगी और हमने लिया है 2 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल। सो इन वेरी फर्स्ट गार्लिक है 1 चम्मच और इसे ओवर कुक नहीं करना। जो भी हम इसके अंदर सब्जियां पका रहे हैं उन्हें ओवर कुक नहीं करना क्योंकि हमें वाइट सॉस पास्ता बनाना है। सो इसका कलर बहुत मैटर करता है। सो हल्का सा गार्लिक को भूनने के साथ ही नेक्स्ट हम डाल रहे हैं अनियंस जिन्हें हमने थोड़े डिफरेंट स्टाइल में कट कर रखा है। सो इन्हें भी ओवर कुक नहीं करना, हल्का सा पकाना है। सो हल्का सा रोस्ट करने के साथ ही इसके अंदर डाल रहे हैं बीन्स। सो फ्रेंच बीन्स हैं। सो लुक बहुत मैटर करती है वाइट सॉस पास्ता के अंदर और इसी के साथ हमने डाली है शिमला मिर्च। सो इसे थोड़ा सा स्टाइलिश कट किया है और इसी के साथ है स्वीट कॉर्न। तो स्वीट कॉर्न है और अब हमने सिर्फ 2 मसाले डालने हैं। एक्चुअल में मसाला तो एक ही है, एक हम सॉल्ट डाल रहे हैं और इसी के साथ डालेंगे ऑलमोस्ट 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर। काली मिर्ची है और इतनी सी सब्जी डालकर हम इसे पहले पका लेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं पकाना। पास्ता बॉयल हो चुका है और ये ऑलमोस्ट 80% तक पक चुका है। तो एक बार चेक कर लेते हैं। सो चेक करने के लिए इसमें से एक पीस चेक करते हैं। ये काफ़ी सॉफ्ट हो चुका है। सो 80% तक पका है और अब हमने इसमें से पानी ड्रेन कर लिया है, लेकिन पानी को फेंकना नहीं है, वो पानी की हमें आगे ज़रूरत पड़ सकती है। सो बहुत सारा काम हो चुका है, सब्जी ऑलमोस्ट रेडी है और हमारे जो पास्ता है वो भी तैयार हो गया। अब बारी है सॉस की और उसके लिए हमने लिया है 3 टेबलस्पून बटर। सो मक्खन है और इसी के साथ 3 टेबलस्पून मैदा और इसे हल्के हाथ से हिलाते हुए पकाना है। लो फ्लेम पे पकाना है, ना तो बटर का कलर जाए और ना ही मैदे का रंग ख़त्म हो। और क्योंकि वाइट सॉस है तो हमने इसे वाइट ही रखना है। सो लो फ्लेम पर ही इसे अच्छे से पका लेंगे। सो ऑलमोस्ट 2 मिनट के टाइम के अंदर जो मैदा है वो पक चुका है। अब हमने इसके अंदर 2 कप मिल्क ऐड करना है, लेकिन बहुत धीरे धीरे करके ऐड करना है, एकदम से नहीं ऐड करना ताकि लम्स ना पड़े। सो लगातार चलाते हुए बिल्कुल भी लम्स नहीं आने चाहिए और इस तरह से इसके अंदर जो मिल्क है वो हमने सारे का सारा ऐड कर देना है। इसका जो टेक्सचर है वो क्रीमी सिल्की टेक्सचर रहना चाहिए, बहुत ज़्यादा गाढ़ा ना हो और बहुत ज़्यादा पतला ना हो। सो बिल्कुल जैसे सॉस होती है। सो इसी के साथ जो बाकी का मिल्क है वो भी हमने ऐड कर देना है। यस, और अब अच्छे से इसे मिक्स कर लेना है। सो इसके अंदर डालेंगे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट। याद रहे कि हमने पास्ता में भी सॉल्ट डाला था और सब्जी में भी। सो नमक थोड़ा कम ही डालें और ये काफ़ी गाढ़ा हो चुका है, बहुत ज़्यादा इसे गाढ़ा नहीं करना। और इसी के साथ अब ये बॉयल हो रहा है। सो हमने डाल दिया पास्ता।
और एक बार पास्ता डाल के वाह कितना क्रीमी टेक्सचर है। इसी के साथ डाल रहे हैं वेजिटेबल जो हमने सबसे पहले बनाई थी। सो इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेना है। सो ब्यूटीफुल वाइट सॉस पास्ता गेटिंग रेडी। और अगर आपको लगे कि जो टेक्सचर है वो थोड़ा सा थिक हो रहा है तो आप इसके अंदर पानी डाल सकते हैं, लेकिन वही पानी जो हमने पास्ता बनाते टाइम ड्रेन किया था वो पानी इसके अंदर डाल सकते हैं और बस। अब बारी है इसके अंदर कुछ एक स्पाइसेस डालने की। सबसे पहले हम डाल रहे हैं ये हैं चिली फ्लेक्स, हर्ब्स एंड ब्लैक पेपर। सो चिली फ्लेक्स हैं जो लाल मिर्ची है और हर्ब्स हैं ऑरिगेनो हर्ब्स हैं और इसी के साथ है ब्लैक पेपर काली मिर्ची, बहुत ही बढ़िया फ्लेवर देते हैं। और इसी के साथ ऑलमोस्ट जो पास्ता है वो तैयार हो चुका है। सो तैयार हो गया देसी स्टाइल में व्हाइट सॉस पास्ता जिसे हमने हल्का सा गार्निश किया है विद रेड चिली फ्लेक एंड हर्ब्स। बहुत ही ज़्यादा यमी और टेस्टी बनता है, बहुत ही डिफरेंट रेसिपी है, बिल्कुल अलग। तो आपको डेफिनेटली रेसिपी पसंद आई होगी। प्लीज़ 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 मेरी रेसिपी को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू।